स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी में कोरोना अलर्ट, जी हां एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले साल की तरह अक्टूबर माह से ही कोरोना के केस बढ़े थे और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। कोरोना के मामले 8 या 10 केस आ रहे थे, अचानक से बढ़कर 20 हो गए हैं। वाराणसी कोरोना फ्री जनपद था, अचानक से यहां पर भी केस कोरोना के सामने आए हैं। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। जी हां कोरोना का अलर्ट है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, फिलहाल आपको बता दें यूपी कोरोना अपडेट में बीते 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में 8 या 10 केस या 11 केस सामने आ रहे थे, अचानक से 20 नए मामले सामने आए। फिलहाल एक्टिव केस में गिरावट हुई है, लेकिन ताजा आंकड़े क्या है आपको ये जान लेना चाहिए। यूपी कोरोना अपडेट में सबसे बड़ी जानकारी है, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके साथ ही साथ जनजीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो अक्टूबर माह में फेस्टिवल आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना का अलर्ट एक बार फिर से हो गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किया गया है योगी सरकार के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए, इस दौरान 17 लोग डिस्चार्ज हुए, लेकिन जो जनपद फ्री थे वहां पर भी कोरोना के केस अब आने लगे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, कोरोना रिटर्न, वाराणसी में 8 दिन बाद कोविड की दस्तक, रविंदपुरी में मिली है संक्रमित महिला, स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट। आप ये देख सकते हैं 13 अक्टूबर का सुबह 6 बजे का अपडेट है जिसे आपको जानना चाहिए। जी हां वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है कोविड को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का रिटर्न हो रहा है। आप यहां पे hindustan.com का टाइटल देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं लिखा क्या है, वाराणसी जिले में 8 दिन बाद कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दी है। भेलपुरी शहरी PHC से जुड़ी रविंदपुरी कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला जो 65 वर्ष की थी कोरोना संक्रमित पाई गई, उनका इलाज होम क्वारंटाइन में हो रहा है। कोरोना मरीज की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज और उनके परिजनों से संपर्क किया, मरीज की इच्छानुसार उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रखा गया है। आपको बता दें जुटाई जा रही है जानकारी, दरअसल भेलपुरी PHC के प्रभारी वाले स्टाफ को अभी पता नहीं है कि बुजुर्ग महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह क्या है, या भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने हाल फिलहाल में किसी दूसरे शहर की यात्रा की थी या नहीं, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे शहर में गया था या नहीं। आपको बता दें CMO डॉक्टर VB सिंह ने बताया कि PHC प्रभारी को विस्तृत जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें CMO डॉक्टर VB सिंह ने कहा, त्योहारी सीजन में लोगों को विशेष सावधानी सतर्कता रखने की जरूरत है, बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कोरोना तीसरी लहर की दस्तक में प्रयागराज भेजे गए 320 संदिग्ध मरीजों के सैंपल। जी हां दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर का दस्तक का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, गाजीपुर जनपद में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। इसके बाद भी विभाग की ओर से गाजीपुर संक्रमण को मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग की ओर से गठित टीम को संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह देने से जुटी हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके साथ शेयर की गई है, आपको बता दें कोरोना का लगातार अलर्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद आवश्यक हो गया है, इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। जहां 8 या 10 केस आ रहे थे 20 नए मामले सामने आ गए, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है यूपी के लिए। आपको बता दें इसी प्रकार से अगर केस बढ़ते गए, कोरोना के मामले या फिर डेंगू वायरल फीवर का आंकड़ा बढ़ता गया, तो सरकार को एक बार फिर से बंदिशें लगाना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए आप प्रोटोकॉल का पालन करें, कोविड से बचे रहें, क्योंकि इस प्रकार के अगर मामले बढ़ते हैं तो स्कूल हुआ, स्टेडियम हुआ, ऑफिस हुआ, एक बार फिर से बंद होने के कागार पर आ जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।